यीशु मसीह दे सोहणे ते सच्चे नां च सब नूं सलाम कबूल होवे। खुदा दे कलाम च लिखिया कुलसियों 3:17 आयत दे विच, कम या कलाम जो भी करदे हो खुदावन यीशु दे नां ते करो ते उहदे नां ते उहदा शुक्र अदा करिया करो। गल ए बरकत दी ते मैं चाहवांगा कि भैन भरा इस गल नूं बड़े गौर नाल सुनन। तकरीबन एक साल तो मेरे माली हालात बहुत ही डाउन सन। मैं सरकारी मुलाजम हाँ, आई टी डिपार्टमेंट विच मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हाँ, तो हालात माली इन्ने कु खराब सन। उसके बावजूद पादरी साहब ने एक दफ़ा कलाम सुनाया कि पूरी दह यकी जखीरा खाना च लिया तो फिर मेरा इम्तहान कर। तो मैं उस तो दिन तो लैके पूरी दह यकी अपनी नादारी की हालत भी खुदा का जोड़ा हिस्सा उन्होंने देता रहा, तो फिर भी हालात कोई नहीं। मैं जो भी सिस्टर एस्टर असी महीने के महीने आके तो दह यकी देते हैं, सर सिस्टर ने कहना कि भाई सान तेरे कारोबार का की हाल है। मैं कहना सिस्टर जी आ वेखो दह यकी दे चले हाँ, तो अगों महीने का सानू नहीं जो पता या वापसी असं किवें जाना सानू नहीं पता है। उन्हें कहना कि तुहानू बरकत तो मिलेगी जिस तरह के पत्रस नू खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जाल पा समंदर दे विच, ते उदों मच्छियां इन्नियां कोईयां कि उन्होंने जाल फटन वाले हो गए। तो वह इस तरह सिलसिला चलता रहा। तो लास्ट टाइम जो असी आना हुंदा सी, या तो साढ़े को पेट्रोल नहीं सी हुंदा बाइक का, तो या साढ़े को ना जो दुआ करवानी हुंदी सी मोबाइल च पैसे नहीं सन हुंदे। लास्ट टाइम 6 तारीख नू जिहड़ा बुद्ध गया वे, उदों मैं अपनी सुहाणी नू पुछिया, मैं कहा रहन दिओ पैसे हैगे जी? उन्हें कहा जी मेरे को तो 150 रुपया हैगा वे। मैं कहा चलो ठीक है, 120 का असी पेट्रोल पाया, 10 रुपये असी दिते उन्होंने स्टैंड वाले नू, ते 10-10 असी चंदा पाया। तो मैं कहा ला जा आखिरी दफा यीशु नू कह आईए कि साडे को पैसे नहीं, असी तेरे दर ते नहीं आ सकते। तो यह कह के तो असी आए इतने बड़े मायूसी की हालत असी घर चले गए। तो फिर एक मौजज़ा होया है कि खुदा दे कलाम च जबूर 138 दे विच लिखिया कि गो के वो बुलंदो बाला तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। वो गल ये हुई कि एक बड़ा वड्डा मौजज़ा होया कि 6 तरीक नूं असीं इत्थों गए हाँ, तो कह के खुदा नूं कि हुण तूं अगर लियाना चाहवें तो तेरी मर्जी, वरना साडे को पैसे नहीं है गए। 7 तरीक नूं फोन आने शुरू हो गए मेरे हैड ऑफिस तो। रात नूं मैं थले मोबाइल कर लै छत ते सौं गया, तो फोन करते रहे मैनू नहीं पता। सुबह मैं वेख्या तो फोन तो बड़िया मिस कॉल, मैं उन्होंने फोन किया, उन्हें कहा एहसान तेरी दुआ सुनी गई है, तो तेरे इंचार्ज डंपिंग साइट दे, यानी पूरे मेरे दफ्तर का इंचार्ज 647 कनाल का साड़ा दफ्तर है, उन्हें कहा पूरे दफ्तर है तेनों इंचार्ज मुकर कर दिता गया वे। तो गल बरकत देखो, ये तेल मेरे को नहीं सीता मोटरसाइकिल का, तेल मेरा सरकारी हो गया, मोबाइल च मेरे को पैसे नहीं, मोबाइल सरकारी मेरा हो गया, तो तनखा भी मेरी डबल हो गई। तो यह जो ब्लैसिंग खुदा दी, जो तुम खुदा दे नाल पूरे दिल ना चलते हो तो खुदा वेखो यहो जी बरकत देता जी। कहां से आप आए हैं मेरे भाई? महमूद बूटी तो। महमूद बूटी से आप आए हैं। आपके घर के हालात बहुत ही बुरे थे। बहुत डाउन सन जी। सिस्टर एस्टर नु सारा पता, अगर सिस्टर एस्टर देखते पे ने, तो मैं उन्होंने कहना चाहूंगा कि तुम्हारी दुआओं का नतीजा आज निकल आया। किसने ये बरकत आपको दे दी? खुदावन यीशु मसीह। किसने दी? खुदावन यीशु मसीह ने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो कहते हैं कि देखकर आजमा कर देखो खुदावन कितना मेहरबान और महीब है। जी आप सबको सलाम। मेरी पहली गवाही ये है कि मुझे 4-5 साल से तकरीबन बवासीर था, और बहुत सी मैंने दवाइयाँ ली लेकिन आराम नहीं आया। एक दिन दवा हो रही थी तो मैंने ना कप में पानी डालकर अपने टीवी के सामने रख दिया, और मैंने कहा यीशु मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं लेकिन मुझे आराम नहीं आया, तू ही मुझे आराम देगा। फिर जैसे ही मैंने वो पानी पिया तो मेरे अंदर की सारी गर्मी जो है वो ख़त्म हो गई, और मेरे यीशु ने मुझे इससे निजात दी। कहाँ से आप आई हैं? सरगोधा से। मेरी सरगोधा से आप आई है। कितने साल से आपको बवासीर थी? तकरीबन 4.5 साल से। तो आप बहुत से डॉक्टर के पास गई? हाँ जी, बहुत सारी दवाइयाँ भी। हकीमों के पास गई, दवाई ली? हाँ जी बिल्कुल दवाई। उसके बाद आपने ICTV के सामने कप में पानी रखा? हाँ जी। और दुआ करवाई? हाँ जी दुआ कर। पानी पिया? पानी पिया। तो शिफा किसने दे दी? मेरे यीशु ने। किसने शिफा दी? किसने शिफा दी? खुदा के चलाए के लिए बजा दीजिए। जी एक और भी मेरी गवाही है जो मेरे नजदीक सबसे बड़ी है, जो जब इंसान का दिल तब्दील हो जाता है तो वो उसके लिए सब कुछ अहमियत रखता है। मेरे यीशु ने मेरी तकरीबन शादी को 6-7 साल हो गए हैं,
हम मियाँ बीवी आपस में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन मेरे यीशु ने उसे ख़त्म कर दिया। एक साल हो गया तकरीबन कि हमारी आपस की लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बात पर हम लड़ पड़ते थे और कई कई दिनों से हम एक दूसरे को बुलाते नहीं थे। मैंने यीशु से कहा कि तू मेरी ज़िंदगी में आ, और वो वाकई ही मेरी ज़िंदगी में आया और छोटे छोटे पॉइंट के लिए वो मेरी साथ मौजे करता। अभी मैं कार गवाही सुनाने के लिए, मेरे पास कार नहीं था तो मैं वापस जा रही थी, मैं बहुत परेशान थी, मैं सरगोधा से आई हूँ और मैंने कहा है खुदावंदा मैं क्या करूँ, मैं इतनी दूर से आई हूँ। तो एक भाई ने कहा कि मेरे पास दो कार्ड आ गए, एक आप ले लो। तालियां खुदा के जाल के लिए बजा दीजिए, तशरीफ रखिए। ये है मसीह का प्यार, मसीह की मोहब्बत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एक दूसरे का साथ देते रहो।